नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। चित्रगुप्त महाराज की धूमधाम से मनाई गई जयंती आज से 9 वर्ष का हुआ आगाज है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर जिले भर में भगवान चित्रगुप्त महाराज की जयंती मनाई गई। चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम दवात की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि चित्रगुप्त महाराज मनुष्यों के साथ पाप पुण्य का लोखा जोखा रखते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को नई कलम या लेखनी की पूजा चित्रगुप्त के प्रतीक के तौर पर होती है। कायस्थ या व्यापारी वर्ग के लिए चित्रगुप्त पूजा के दिन से ही नववर्ष का आगाज माना जाता है। विवेक श्रीवास्तव कायस्थ समाज सभा के पूर्व मंत्री ने कहा कि कायस्थ समाज में पूजा का विशेष महत्व है। समाज के लोग अपने घर में चित्रगुप्त महाराज की तस्वीर रख उनकी पूजा करते हैं। गन्ने का रस, अदरक, गुड़, मधु का आज तैयार कर भगवान को अर्पित किया जाता है। लोग आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर भगवान से जस, विद्या, धन का आशीर्वाद मांगते हैं। इसे दवात पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक भीष्म पितामह ने इस दिन विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर चित्रगुप्त जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब वे खुद चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। आइए सुनाते हैं कायस्थ समाज के पूर्व मंत्री विवाक श्रीवास्तव और रंजन वर्मा, आयोजक चित्रगुप्त मंदिर, ने क्या कुछ कहा। और आज हम सभी कायस्थों के लिए एक बहुत ही पावन पर्व है। आज हम लोगों के प्रातः स्मरणीय भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी का हम लोग जयंती के रूप में मनाते हैं। और हम लोगों का यह मानना है कि हम लोग उन्हीं के अंश से पैदा हुए हैं कायस्थ कुल में। और हम सभी कायस्थों के लिए, वैसे तो प्रायः यह देखा जाता है कि यह पूजा हम कायस्थ ही करते हैं, लेकिन कलम दवात से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसे इस पूजा में शामिल होना चाहिए। क्योंकि इस वर्ष हमारी सभा ने यह निर्णय लिया COVID-19 को देखते हुए कि पूजन हवन के बाद जो हम लोगों का शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम होते थे, इस बार हम लोगों ने उसे स्थगित किया है और पूजन हवन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। और बढ़ चढ़ करके हमारे कायस्थ बंधु आए हैं, हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। और इस पावन बेला पर मैं सभी नगरवासियों को अपने चित्रगुप्त वंशीय जनपद सभा की तरफ से और अपने सभी कायस्थ बंधुओं की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। राजेंद्र कुमार वर्मा, रज्जा। अच्छा, आज जो कलम दवात की पूजा होती है, क्या कार्यक्रम है आज आपका? आज हमारे यहाँ सुबह 12 बजे से पूजन का कार्यक्रम था, उसके बाद तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम था। COVID-19 को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अक्षरता पालन करते हुए, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम जो हर वर्ष हमारे यहाँ होता है उसको नहीं किया गया और हवन पूजन और प्रसाद का ही कार्यक्रम है, शाम 5 बजे तक चलता रहा। आज की पूजा में क्या विशेष माना जाता है और क्या इतिहास है? हमारे यहाँ इतिहास यम द्वितीया की ये पूजा, और जब से हमारे इष्ट देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी हुए तब से ये पूजन का कार्यक्रम उनके जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। आज और हमारे जितने सौ